शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में एक शराब सिगरेट पार्टी का वीडियो वायरल होने से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। गरीबों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रात के समय मैखाने में बदल जाते हैं। यहां जाम पर जाम छलकते हैं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अस्पताल के कर्मचारी ही हैं और खाना, सिगरेट और जाम, खून की जाँच करने वाले रूम में मदहोश होते जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सालय प्रभारी ने आनन फानन में गार्ड को जिम्मेदार बताते हुए उसे तत्काल हटा दिया है। जिस समय का वीडियो बताया जा रहा है उस समय अस्पताल में डॉक्टर संकुल जैन ड्यूटी पर थे, लेकिन चिकित्सक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं अस्पताल में शराब पार्टी तो मरीजों का क्या हाल होता होगा, ये सोचने की बात है। शासकीय राजीव गांधी जैन शासकीय चिकित्सालय में मरीजों का इलाज किया जाता है। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर सेवा में रहते हैं ताकि गरीब बेसहारा मरीजों की इलाज उचित हो सके, लेकिन आप कुछ तस्वीरों को देखकर अचंभे में रह जाएंगे। रात के समय अस्पताल मैखाना बन जाता है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उसको यह बात अवश्य समझ लेना चाहिए, पत्रकार साथियों के खिलाफ कोई भी बात कहने से पहले उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट रूप से कहा है, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है। देखिए, इस तरह की बातें तो नहीं करना चाहिए। कई बार होता ही है कि सर्वप्रथम तो यही काम है जो स्टाफ ड्यूटी पर है वहाँ पर, और जो डॉक्टर ड्यूटी पर है अस्पताल में, प्रथम कर्तव्य तो उनका ही बनता है कि अगर अस्पताल में कोई अव्यवस्था हो रही है तो उसको सुधारें। अगर उनकी हद के बाहर है तो वो प्रभारी को या अपने हेड को उसके लिए कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वहीं पर देखी जाती हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कुछ स्ट्रेचर्स अगर अस्पताल में हैं, वो वार्ड के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो जो डॉक्टर के डॉक्टर हैं वो स्वयं कह सकते हैं हमारे वार्ड बॉय के लिए, भाई स्ट्रेचर आप बाहर लेकर आइए। इसके लिए कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को तो फोन नहीं लगाया जाएगा। अगर कहीं गंदगी दिख रही है और स्वीपर वहाँ पर उपलब्ध है आपके पास, तो ड्यूटी डॉक्टर कह सकता है कि आप यहाँ पे सफाई कीजिए। तो ये सब जो व्यवस्थाएँ होती हैं ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर की ही होती हैं, बाकी केवल केवल मरीज का ट्रीटमेंट करना या उसके लिए पर्चे लिखना, तो इस तरह से पल्ला झाड़ लेना है व्यवस्थाओं से ये ठीक नहीं है। बाकी राय दी जाएगी इन लोगों के लिए। ड्यूटी चिकित्सक से जब हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि अगर मुझे मीडिया टूल देगी इस मामले को तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। देखिए, इसके बारे में तो मुझे जैसे कुछ चीज़ कही गई, मेरी उनसे चर्चा हुई थी डॉक्टर साहब से ड्यूटी पे थे। अब उनका कहना ये था कि क्योंकि वो ड्यूटी तो थोड़ा सा दूर का एरिया, जिस कमरे का जो वीडियो था वो गार्डों के लिए ही उसके पास चाबी रहती है, और एक उसमें केवल मलेरिया के लिए पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो स्लाइड बनती हैं, दिन के समय वो खुला रहता है, और उसकी चाबी उसके पीछे क्या एक्चुअली लाइट का एक कंट्रोल पैनल भी है, इसमें इलेक्ट्रिशियन को भी आवश्यकता पड़ती है। उसकी दो चाबियाँ रहती हैं, एक गार्ड के पास रहती है तो अपनी वर्दी वगैरह चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारे यहाँ पे जो जांच करते हैं हमारे व्यक्ति उनके पास रहती है। उनकी ड्यूटी दिन में ही रहती है, तो चूँकि उनके पास चाबी थी इस चीज़ का वो दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन वो चूँकि गेट बाहर से लगा हुआ था, शायद उनकी ड्यूटी डॉक्टर जो है उनको भी इस चीज़ में संज्ञान में नहीं था कि ऐसा कोई गलत काम यहाँ पर चल रहा है। देखिए, चाहे कोई परमानेंट स्टाफ हो, चाहे कोई स्थायी स्टाफ हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे कोई भी मेरा डॉक्टर हो, है ना, अगर ऐसा कोई संलिप्त उसमें पाया जाएगा, अगर ऐसा वीडियो जैसी बात कर रहे हैं ऐसा तो कोई संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जो भी, अगर मेरा कोई जो स्थायी स्टाफ है तो नियमानुसार जो भी वरिष्ठ कार्यालय से इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। अगर कोई स्टाफ मेरा अस्थायी स्टाफ है जिसमें मैं कार्रवाई करने के लिए लेवल पे है मेरी, तो मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। सर, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं सभी अच्छे डॉक्टरों की छवि के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें यदि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले भी मैंने ये कहा है कि कहीं भी अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है, आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं इसमें कहीं डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर देखिए कोई भी एक डॉक्टर है वो खुद अपना एक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति रहता है, इतना सक्षम एजुकेशन का व्यक्ति है, और जिस हम मानव सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं, जिस हिसाब से इतने बड़े कोविड काल में सब लोगों ने डॉक्टर की फैमिली भी इन्वॉल्व रही, कई को डॉक्टर भी खुद इन्फेक्टेड रहे, तो अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी सेवा की, और हमारा मानव सेवा ही हमारा पहला धर्म होता है। कई बार कंडीशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, वर्कलोड होता है, कई बार परिवार वालों से विवाद हो जाता है चीज़ों के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर इसमें कहीं कोई गलती की गई है तो उसमें सुधार किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।